बैठे हैं, आसमान ढूंढो ही बंद पड़ी हो, बंद पड़ी। आप सब लगाए परेशान मेरी पाँच पाँच रुपए, एक घर में एक घर में पाँच जना पच्चीस रुपए टटी जाए चेहरी लगाया। दो लेटिन बनी हुई है, दो और से बाहर निकले जब दो का नंबर आवे। क्यों नहीं किने केवा जावा था आया आटे जीती कहाँ के केवा किने जावा हाँ वो छोगा लाल वो मानी नहीं उड़ी जो नहीं उड़ रहा हाँ हाँ कहीं गिर रहा के मानी जा रहा कहीं खबर माने कहीं पतो। जब इलेक्शन का टाइम चल रहा है आप वोट लेने के लिए बहुत बहुत जल्द हमारे पास आ जाते हैं। वैसे अभी मैं 18 साल की हो चुकी हूँ और ये मेरा पहला वोट होगा और मैं बहुत सोच समझ के अपने इस अधिकार का प्रयोग करूँगी कि मैं ना एक इंटरनेशनल माउंटेन है, माउंट मेरा जो कि हिमालय की रेंज का है वो 6,476 मीटर का है। मैं वहाँ पर 101 फीट का भारत का झंडा ले रहाँगी जो कि भारत से पहली लड़की होगी। वोट ले जाना तो अतरा लंबा हाथ जोड़े ने वोट वही जाना जय राम जी। मैं गरीब ना मैं बोल दी था वेनी वेनी रे पैटी आज चल चल यूं करे बेटे किस तरह करे आज आज चल चल। एक ये राजू भाई हमारे साथ हैं, सभी कहते हैं कि भाई समस्या थैले वालों से है, पर थैले वालों से जानते हैं कि वाक्य में उनको क्या समस्या है। सर सबसे पहले तो बताओ, चुनावी सरगर्मियां बिल्कुल तेज हो चुकी है, 25 तारीख को चुनाव मुकम्मल है जी, पर समस्याएं क्या है, किन बूथों पर वोट देंगे? हम तो हमारे जो अभी चल रही है सरकार, जो गहलोत साहब की सरकार है, ठीक है चल रही है, काम हो रहा है, उसमें हमारा भी फायदा है। हमारे थैले वाले का क्या है, हम थोड़े साइड पर खड़े रहे, व्यवस्था नहीं बिगाड़े तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ की। ठीक, पर आप लोगों को लाइसेंस मिला कि नहीं मिला? मिला लाइसेंस मिला मेरे को नगर निगम से, लाइसेंस मिला जी जी। लाइसेंस मिलने के बाद किस तरह की समस्याएं रोज आपको, क्योंकि रोज हम देखते हैं यहाँ पर आपकी और प्रशासन के बीच में कुछ प्रशासन वो क्या है, एक तो थैले वाले भी बहुत बढ़ गए सर इस कोरोना काल से, बेरोजगारी से बाहर के लोग बहुत आ गए हैं, इसलिए वो थैले वाले भी बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए वो ये परेशानी हो रही कि व्यवस्था बिगड़ जाती है सर, ट्रैफिक जाम हो जाता है, रोड पे आ जाते थैले वाले, इसलिए परेशानी होती है। तो अब जो नए विधायक बनेंगे कोई भी पार्टी का बने, उससे क्या चाहते हैं आप लोगों की, क्या मांग है उनसे? हमसे यही मांग है कि हमारी व्यवस्था बनाए रखे बस, और कुछ दिक्कत हम भी व्यवस्था आप भी व्यवस्था बना के रखोगे क्या? हम भी व्यवस्था बना के रखेंगे, पक्की बात है, पक्की बात है सर, चकाचक चकाचक। चलो तो यहाँ पर ये आप सब्जी का थैला कितने है? मतलब ये फलों का थैला 15 साल से फलों का थैला लगाता हूँ दिल्ली गेट पे, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, पर खाली व्यवस्था बिगड़ जाती है, बाहर के बहुत थैले वाले आ गए इसलिए ये परेशानी बिगड़ जाती है, रोड पे आ जाते हैं। लाइसेंस है कि नहीं? नहीं है उनके पास लाइसेंस, नहीं है तो बिना लाइसेंस वालों पर कार्रवाई की मांग भी होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए सर। चल बिना लाइसेंस वालों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। भाई जी एक बार बताओ था अटैक कदियों बैठे आटे? बचपन से इधर ही है। बचपन से कई उम्र भाई की थानी? उम्र कई है थानी? उम्र हो गई 40 साल। 40 साल वोटेज बैठिया? हाँ। वो पूरा शहर ने सब्जी खिला दी थी ना? हाँ। अच्छा अब एक बार बताओ कि चुनाव एरिया है, नया नेताजी आएगा, हाँ। विकास क्या क्या मुद्दों पर विकास चाहिए आपको, अभी भी क्या लगता है क्या बाकी है यहाँ पर? क्या बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, समस्या है बैठने की, आए दिन पुलिस वाले परेशान करते हैं। उनकी ड्यूटी वो भी करते हैं, ये सही बात है कि उनकी ड्यूटी करते हैं, भीड़ जमा नहीं होने देते हैं, पीछे जब पीछे सड़क के बैठते हैं तो पब्लिक आगे भागती है। तो अटे ये जो ऊपर ये चुमुतरी बनी लगी है, अन्ने माते बैठ जाए करो नहीं था तो वो नहीं बैठने देता है, जो नगर निगम जो व्यवस्था है वो ऊपर वो नहीं बैठने देता है, ये इनकी ड्यूटी बेचारे, ये भी हक से निभाते है। ये नहीं तो जहाँ सब लोग बड़े तैयार हो गए यहाँ से अगर हमारे को हटाया जाए तो हमें रेम के ऊपर बिठाया जाए। हाँ तो रेम पर ऊपर ही तो बेड वाली बात है, यही परेशानी, हमें सुरक्षित जगह दो, हमें वहाँ ऊपर बिठा दो। मैं एक बार कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो रेम जरूर दिखाएं, ये रेम के नीचे नगर निगम ने पार्किंग बना रखी है, यहाँ पर ऊपर सब्जी वालों के बैठने की उचित व्यवस्था हो सकती है जिससे ट्रैफिक पर भी काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इस पर हम कोई दिक्कत नहीं, पुलिस वालों को भी इनकी भी परेशानी दूर हो जाए, आए दिन पब्लिक को भगाते ये भी परेशान हो जाते हैं भगा भगा के, इसलिए ऊपर जगह मिल जाएगी तो सब ऊपर बैठे, कोई आगे नहीं आए, कोई आगे नहीं आए। तो इस मसलात में प्रशासन से भी जानेंगे कि सर आप क्या चाहते हैं कि वाकई में इस रेम का सही उपयोग यहाँ पर सब्जी वालों को बिठा कर हो सकता है। संदीप कुमार जी आप ही बोलो। मैं क्या बोलूं, आप बताओ ना, आप रोज जिस समस्या को महसूस करते हो तो रेम पर बिठाने से समस्या कम होगी क्या? मैं तो ड्राइवर हूँ, आपने ध्यान नहीं है जी।
आपने ध्यान नहीं, वो हेड साहब थोड़ा हेड साहब तो हेड साहब से जानेंगे, हेड साहब थोड़ा इंटरव्यू दो इन थेलो वालों का ना इनके लिए। सर आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर रेम जो बना रखा है इसका उपयोग, तो ये एक भाई साहब हमारे साथ है, भाई साहब कितने वर्षों सर यहाँ पर आप ये अपने जूतों का कारखाना लगा कर बैठे हैं? मेरे को 30 साल हो गए। 30 साल हो गए? हाँ, 10 साल की उम्र से बैठो, पढ़े बड़े कुछ भी नहीं किए, यहीं बैठा हूँ। यहीं बैठे हो, पढ़ाई तो करनी चाहिए थी ना यार दोस्ती में। लेकिन क्या करूँ, मेरे दोस्त गरीबी स्थिति थी, गरीब स्थिति थी। हाँ। तो जूते वूते बराबर चमका रहे थे? बिल्कुल एकदम। शेर चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, इसमें अभी कुछ बाकी है चमक? शेर का चमक रहा है, ये भीड़ भाड़ कितनी हो रही है देखो ना। अरे तो भीड़ भाड़ तो मनक बैठेगा तो भीड़ भाड़ तो वेगा नहीं यार। टाइगर कटू लावा। विकास का कुछ मुद्दा है कि नहीं, विकास हो रहा है कि नहीं यहाँ पर? विकास तो हो रहा है, ये बन रहा है, नाला वाला बन रहे हैं। अच्छा, नाले वाले बन रहे हैं। हाँ, ये पार्किंग बन रही है, वापिस पार्किंग बन रही है। हाँ, फिर भी यहाँ सबसे ज्यादा समस्या पार्किंग की है। हाँ, ये समस्या तो जो नए नेताजी बनेंगे उनसे क्या चाहते हो आप? नए नेताजी आएंगे तो उनकी सेवा में रहेंगे। सेवा में रहोगे? हाँ बिल्कुल। सलाम वलाम ही ठोकेंगे? ठोकेंगे, चकाचक कारोबार है एकदम। अच्छा, नए नेताजी से कोई मांग नहीं है कि भाई ये विकास कराओ, कि ये बात कोई बात रखनी नहीं है, सिर्फ सलामी ठोकनी है बस? सलामी ठोकेंगे नेताजी, वैसे आगे से करेंगे कार्यक्रम, आगे से करेंगे, खुद ही कर देंगे, समझदार हो? समझदार होंगे, तभी तो नेताजी बनते हैं। तभी नेताजी बनते हैं, समझदार है तभी। भाई साहब आप बताओ नेता कैसा चाहते हो? नेता तो गरीब वालों का लो, चाहे बापड़ा लो, गरीबों का भला करना चाहिए। बापड़ा जो गिलना गरीब तो रोड पे धंधो करे, मैंने मारी रहा पकड़ा मार रहा जल्दी कही कौन मारे, सब हुई सब जनता बापड़ा परेशान कर रही है, परेशान कर रही है। हाँ, बहुत दुखी हो रहा, दुखी मैं धंधो पानी करे जरूर, बापड़ा कटे जाएगा भी कटे जाएगा। हाँ, जो गरीबों का ध्यान रखेगा उसको वोट देंगे हम, तो वोट दोगे। सर आप बताओ आप किसको वोट दोगे? देंगे सर, हमारा सहायता करे उसको देंगे वोट, है जो हमारी सहायता करे उसको देंगे वोट। सहायता की धानी 500 रुपए दे दें, सहायता भाई की धानी 500 की बात नहीं है, हमारे जो हमारी सहायता करेगा 500 की बात। सहायता क्या सहायता देते हो बताओ ना? सहायता ऐसा है हमारे नल पानी बिजली पानी ये सब फ्री कर दे, थोड़ा बहुत तो सारा लगा देते हैं। लोग सब किधर नहीं फ्री धाना कहीं किधर कर दिया। हाँ, मैं तो उनको जोड़ गया केवल दिखाने के लिए, दिखाने के लिए कहीं गिरा था पाचा आई गया 2000 भी रही हो पाचो हो नहीं छोटा छोटा निमूडा विधायक कितना चाहते हो? नहीं आपने कहीं समझ में नहीं आटी बात करो भाई साहब, बताना पड़ेगा अभी बात ही नहीं करानी चीज में। नेता कैसे चाहिए है? आपने कहीं नहीं चाहिए है ना, बीजेपी चाहिए ना कांग्रेस चाहिए, कहीं नहीं चाहिए आपने, तो भी वोट तो देना पड़ेगा। नहीं देवा अभी वोट करने पर थाने हमारी हुगन दे हमारी बात 25 तारीख के दिन थाने वोट देना पड़ी था, करने भी दो। हाँ, एक ऑप्शन वे जनी में नाटो का ऑप्शन है। हाँ, वहीं पे भी दे दो था पर वोट थाने देना। हाँ, तो बीजेपी को दे देंगे ना वोट हम, तो करने ही दूंगा। दे देंगे ना बीजेपी को आप, आपके करने भी देना जरूर है तो बीजेपी देंगे, बीजेपी दे दोगे? हाँ, बीजेपी हाउ काम करे, हाउ करे करे भाई, हाउ करे भाई साहब बात करो। पहले मैंने एक काम बीजेपी ने हाउ बता दो। अरे यार मार एक, एक, एक काम एक काम। अरे मारवा तो टाइम ही मार, धंधो करने भाई साहब यार। सर आप बताओ विधायक कैसा चलता? मैंने कहीं पता ही नहीं पड़े भाई साहब, हम तो पड़े तो कोई नहीं। सुरेश जी। हाँ जी। ये काकड़े तो बेच रहे थे, विकास भी रोगे नहीं शहर में? नहीं वेरो साहब विकास। नेताजी कई मांगे थानी? नेताजी यही मांगे कि भाई माने परेशान नहीं करे और आटू हटावे नहीं, सिटी ने मैंने व्यवस्थित करे एक जगह, जो कमेटी बनाए कमेटी ने मैंने ध्यान दे कमेटी वाला कि भाई 18 आदमी कौन है, 12 आदमी कौन है, वही हिसाब हूँ व्यवस्थित करे माने जगह जगह दे और व्यवस्थित करे, आए दिन नगर निगम वाला परेशान करे माने। परेशान करे बिल्कुल भाई, चलो हटाओ ड्यूटिया लगा के 20-25 छोरा ड्यूटिया लगी रहेगी, अब बार 2-4 दिनों छोरा नहीं आई रहा, खाली 2-4 दिनों नहीं रहे तुम्हारे। हाँ, छूट दे रखी था त्यौहार ने नामी का पता, बस त्यौहार छूट दे रखे क्या पता, भारत जी ने कुछ बोल रखा इनको, भारत जी कहीं कही रखी। हाँ, उस हिसाब से अभी 2-4 दिन से ड्यूटी नहीं लगी जी ने, विधायक चाहिए रहा कि करना चाहिए रहा? नहीं माँ विधायक दूसरों चाहिए रहा, अभी कौन कोई भी बंदू आवे भले ताराचंद जी आवे ताराचंद जी, लेकिन भारत जी कही गए साल कानू माने बहुत परेशान कर गया दिल्ली, बहुत परेशान कर गया भारत जी। भारत जी अच्छा दिल्ली गेट और तेजगढ़ चौक की बात नहीं करेंगे, यूँ बोल रहे हम गए भी थे निगम में, उनसे आधा जोड़ी भी करी थी कि साहब हमारे को व्यवस्थित करो आप,
परेशान करते आए दिन के नहीं, दिल्ली गेट और तीज के चौक की मैं बात नहीं करूंगा, दिल्ली गेट और तीज के चौक की बात नहीं करेंगे। ओके सर, विधायक जी भाई जी, ये रिंगना कई भाव पहले से बताओ। रिंगना मैं 20 रुपए आधा किलो, किलो 20 रुपए आधा किलो है, ये तो रिंगना तो वक्ता रहेगा। पहले बताओ कि शहर में विकास हो भी रहो कि नहीं भी रहो? कहीं नहीं चल रहो, धंधो माने ते कहीं नहीं चल रहो। बहुत परेशान हो? बहुत परेशान ना बेटा। हां कई करा है बार बार ये परेशान करे पुलिस वाला थाने, पुलिस वाले उठावे, नगर निगम वाले उठावे, सब उठावे भाई साहब, कई सब उठावे। हां तो हम बैठ जाएगा ना, फेविकोल लगाई ने कई लगावा, फेविकोल लगाई ने पटा बार बार तो उठा करे, बार बार उठावे। हां धंधो आनी वास्ते धंधो नहीं वही पारियो? कई धंधो नहीं है बेटा। हां देखो थैला भरिया है, जो लागत लगाओ वो निकले के नहीं निकले? कई लागे अनार पया बेटा वे, वो 200 रुपया दान की आवे भाई साहब, कई आवे बस, वो 200 रुपया दान की आई रही है, कई करा। अबे नए नेताजी जो बनेगा बनाऊ, कई मांगे थानी, कई चाहो बटे ट्रैफिक री व्यवस्था कैसी वेणी कई है, माने धंधो करिन खावा दो यो चावा बस, कई चावा मां, गरीब आदमी है, धंधो करिन खावा दो माने, धंधा करके खाना चाहते हो, उसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस ये परेशानी वे। चाची आप बताओ आप क्या चाहते हो नए नेताजी से? हम एप्पल जी नए नेताजी से यही चाहते हैं कि हमें सदस्य मिले, बस धंधा करने मिले और कई क्या, धंधा करने मिले और कुछ मांग नहीं आप? अब यही मांगे शांति से धंधा करे, गरीब आदमी कहीं जाए कहीं नहीं चाहिए जाने, फ्री में कहीं नहीं चाहिए, कहीं चाहे फ्री में, फ्री में कहीं छूटे वाले तो मारे ले, बोल तेरे कहीं चाह रहे फ्री में, बोल कहीं चाह रहा भाई तेरा? अरे मारे नहीं चाह रहा, बोल बोल क्या चाह रहा? मारे कहीं नहीं चाह रहा। अरे बोल, अरे मारे कहीं नहीं चाह रहा, अरे चाह रहा था, अरे बोल कहीं चाह रहा? अरे मारे एक बात बताओ, जो नेताजी अबार जो अटे नेताजी है वे हाउ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहा मान, थैलो तो लगा दे रहा, माने परेशान कर रहा है, माने तो माने बच्चा बच्ची रही, रोजी रोटी तो छीनी रहा, कहीं कमाओ कहीं खाओ, यो कमाई ने ले जाओ जैसे बच्चा बच्चे पेट भरा, ने माने तो क्या हटो 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 कटे जाओ, वहाँ पे माने बच्चा बच्ची हटाटा 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 आप लोग पूरा समय खत्म हो जाए। और कहीं माने माने जिंदगी यूज काटेगा, माने काटे लाइसेंस दो, माने काटे जगह दो तो मैं उभर रहा, तो लाइसेंस के बाद ना अप्लाई की दोगे नहीं की दो? की दो नहीं तो नहीं बनियो, माने नहीं बनते नहीं दी तो माने बटे बटे ये कह रहा कि हाल नहीं बना है, तुम्हारे फोन कर देंगे ना, फोन कौन करे माने बनने के, तो माने मासी रो छोरो जो फोन करेगा बना हटे। अरे मैं जई ना आया बहू जी कतरी बार, पर भी तो हुनियो आने हुनियो कर खाली बोट ले जनाब बल्ले और की ले और बोट लिया बाद ये यूं पहचाने नहीं कि कौन है कौन नहीं है, यूं हो चे भी बस नहीं, पर करने दिक्कत है तो भी नहीं होने, मारी बेटी खोएगी आज तक, मारी बेटी 12 महीने भी मारी बेटी आज तक नहीं मिली, कोई भी नहीं होने, कोई भी बताओ हमने कटे हूँ खोवाई था नहीं बेटी, मारी बेटी माधुरी हूँ खोवानी है, आज 12 महीने भी मारी बेटी ने एक बार भी कहीं होती नहीं दी आपसे तमाम जिम्मेदारों से अनुरोध है कि इनकी एक बिटिया है, कहाँ से खोई भाभी जी? वो माधड़ी से इनकी बच्ची 1 साल पूर्व में लापता हो गई है, जो भी व्यक्ति उसे जानता हो या इन्हें जानता हो उसे पता हो तो इन्हें बताने का कष्ट करें, नहीं तो हमारे चैनल पर जरूर इस बात की सूचना देवे। अरे बहू जी कोई सुनवाई कर रहे हैं केस में, उसके बाद मैं 10 बार जाके आई हूँ, मैं अभी मैं पुलिस लाइन में जाके जस्ट आई हूँ, मैडम थे ही नहीं, मैडम नहीं मिले, मगर कोई नहीं सुनता है। बच्ची रो फोटो है थाने पास? फोटो वोटो सब है रे, वो तो हम फोटो है तो नहीं कैमरा में बताओ ताकि कन्ने मिलेगा तो अटे नहीं मिलेगा, वाटे है ही नहीं, वा कई कार्रवाई नहीं कर रहा, हाँ हाँ कोशिश कर रहा, कोशिश कर रहा, कई कोई कार्य कोशिश कर रहा, कोशिश कर रहा, बस गरीब भी कोई नहीं हो, गरीब की कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुनता गरीब की, तो मेरा तमाम जिम्मेदारों से अपील है कि गरीब की बात को जरूर सुना था भाई साहब, था बताओ कसो विधायक चाहिए रहो कटे रहो था बोईडा में, कहीं वोट नहीं ना को गई मेरी विधानसभा इधर है ही नहीं ना, आप बताओ कैसा विधायक चाहते हो पहले तो ये बताओ, कैसा विधायक कैसा चाहते हो? वसुंधरा, वसुंधरा जी की जानी विधायक बनेगा क्या डेरी तो मुख्यमंत्री बनेगा वे तो माने तो राजस्थान में बीजेपी सरकार चाहिए रही, बीजेपी सरकार चाहिए रही है? हाँ। अच्छा कई होगा बीजेपी सरकार भेजेगा तो कोई भेजेगा थाने थैला में दुकान भेजेगा थाने, बीजेपी सरकार भेजेगा तो थैला लगा देगा अटे और कहीं, बीजेपी सरकार होगी तो थैला लगा देगी, थैले वालों की सरकार है बीजेपी, थैले वाले की सुनती है बात, सुनती है बीजेपी, सुनती है लोगों की बात, सुनती है पर यार था बात करो नहीं, अब यार एक बात बताओ अटे विधायक भी तो बीजेपी नहीं साथ
फेरा ले जावे बाट लेने पड़ा जमाने कई ने माने बात बात तकड़ी पाचा देवे भी नहीं और मार हाथ जोड़ा और धोख दा तो भी माने माने कोई सुनवाई नहीं करे हाथ को जोड़ना बना रहे तू भी ले जा तो आप धोख देना पड़े बना रहे के दो माने चेहरा हां मां धोख बीजेपी वाले नहीं ले गए कांग्रेस वाले ले गए थे कौन से कांग्रेस वाले ले अरे भाई अपने पार्षद जी के नगर निगम वाले कांटे ले जाए बांट ले जाए ठेले वाले को परेशान करते हैं नगर निगम वाले कौन है कौन है नगर निगम कौन है कौन है आप किस किस सरकार है यहाँ सरकार किसकी है यहाँ यहाँ कांग्रेस सरकार है यहाँ यहाँ पर अरे काहे के लिए यार बीजेपी अच्छा तुम बताओ क्या अगर बीजेपी को वोट देने से सब समस्या समाधान हो जाएगा सब हो जाएगा सब हो जाएगा पक्की बात है बोल ले घोषणा कर दो टीवी पे मैं क्या घोषणा कर दूं बीजेपी आएगी बीजेपी आएगी आएगी चलो ठीक है एक ये भाभी जी आप बताओ हाँ बताओ नेतो कसो चाहिए नहीं मैं मांग हमसे ही कोई नहीं मैं तो गामड़ा का अरे गामड़ा में नेतो तो वेगे नहीं वे नेता वेगे नहीं थाने रे नेता सरपंच वेगे नहीं वे हाँ शुरू से मगज मर्जी हो जी नेता कसो हाउ वेनो चावे विकास को कार्य करना चाहे कि नहीं करना चाहे हाउ वेजन लाजी आपने तो हाउ वेजन ने लानो हाँ चलो ठीक है आप बताओ भाई साहब अरे हाउ वेजो लानो आप हाउ वेजो लाओगा हाउ कौन है रौनक आप देख सकते हैं कि किस तरह से त्योहारी सीजन है लोगों के अंदर एक उत्साह है साथ ही साथ चुनावी सीजन भी है तो कुछ लोग आपस में आप बात करते हुए दिख रहे सर आप बताएंगे विधायक कैसा चाहते हैं सर विधायक के बारे में कुछ कह नहीं सकते तो भी कुछ नहीं अच्छा चाहते हैं विकासशील पुरुष चाहते हैं तो सब लोग चाहते हैं वैसे हम भी चाहते हैं अभी मौजूदा विकास के कार्यों से खुश हैं क्या सभी कार्य हाँ खुश हैं खुश हैं सर आप बताएं हम तो आपको अभी राजनीतिक पार्टियों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते चलिए भाई साहब आप बताओ कैसा विधायक चाहते हो नेता कैसा चाहते हो हाथ को जोड़ रहे हो सब पार्टियां एक रिकी है कशो भी विधायक है चलेगा ऐसा कहीं नहीं है ना तो मोदी लाडू वाडा जो है ना अशोक गहलोत लाडू वाडा जो ये सब नेता सब एक रिका है नेता सब एक हाँ नेता एक रिका का मतलब वाली बात नहीं है सब अपने अपनी दाल गलावाते प्रोत्साहन दे रहा है गिफ्ट आइटम निकाल रहा है खाली गिफ्ट आइटम निकाल रहा है कटे मोबाइल बांटी रहा है कटे कहीं बांटी रहा है कहीं सब आप अपनी दुकानदारियाँ हैं राजनीति एक दुकानदारी भी की है और कहीं कोई नहीं बस वोट एकदम जीतिया गेड़े कोई पाँच साल तक हम ही नहीं आवे राजनेता एक नहीं कभी नहीं आते पाँच साल में हम ही नहीं आवे पाचा जिंदगी में चल तो भाई साहब बर्तन तो थोड़ा चमक ही रहा है शेर कौन चमकाएगा विधायक कैसा चाहते हो हाँ सर कैसो नेता कैसो चाहे हाँ बताओ नहीं हाँ वोट दोगे नहीं दो देते हो वोट देना है ध्यान रख जो 25 तारीख ने छुट्टी है सेठ जी तरफ ठीक है वोट देना 25 तारीख ने ठीक है भाई साहब एक तरफ तो चाय वाले भाई साहब देश में राज कर रहे हैं क्या आप दिल्ली गेट पर राज कर पाएंगे क्या काम करो दो यार भाई साहब यार अच्छा पहले मैंने बताओ कि विधायक कैसा चाहते हो पहले बताओ सब बढ़िया चाहते बढ़िया बढ़िया यार एक महीने तो बताइए तो अभी जो मौजूदा विधायक उनके कार्य से खुश हो गया अरे यार उधर काम करो दो यार सोचा है आपने हैं अरे बोलो नहीं नहीं चाहिए नेता चाहिए नहीं रहे आप बता दो बाबू जी कैसा नेता चाहिए आप सबकी बात सुने मोदी जी मोदी जी लड़े ना उदयपुर चुनाव हैं अच्छा कल आप करवा चौथ की शॉपिंग करने आए यहाँ पर हाँ। अच्छा तो त्योहारों की शॉपिंग तो हो रही है पर 25 तारीख के दिन वोट देने जाओगे कि नहीं 25 तारीख के दिन 25 तारीख ने वोटिंग है नहीं हाँ। जाओगे कि नहीं वोट देने तो जाएंगे ना वोट देने जाना हाँ। है सबको जाएंगे वोट देने ठीक है करने भी वोट दो पर वोट जरूर देना आपने देना ही है वो तो ठीक है और विकास के क्या मतलब क्या चाहते हो कैसा विकास होना चाहिए अभी जो विकास हो रहा है उससे खुश हैं क्या विकास है तो खुश है लेकिन अब
क्या बोलूं मैं इसके आगे। अरे आप आया तो कतरी समस्या भी नहीं, ट्रैफिक की समस्या, ट्रैफिक की तो है ही है। ये सुधरनी चाहिए कि नहीं? सुधरनी तो चाहिए। चलिए ठीक है, कुछ व्यवस्थाओं में अभी भी तब्दीली आप चाहते हैं? जी। चलिए ठीक है, तो ये आंटी जी माइंड ला रहे हैं। आंटी जी सबू पहले तो ये बताओ कि जो विकास का कार्य है वो खुश हो गया? अटे आसमान ढूंढो बंद पड़ी हो, बंद पड़ी आप सब लगाए परेशान मेरी पाँच पाँच रुपए एक घर में, एक घर में पाँच जना पच्चीस रुपए देने टटी जावा चेरी लगाया। मतलब पच्चीस पच्चीस रुपए देने टटी जावा चेरी आंगवा चेरी। अरे बाप रे बाप, अतरी खराब स्थिति है, अतरी हालत खराब है। एक घर में पच्चीस दी थी मना के तो कतरा रुपया चाहिए रोज रहा और मात्रा तो काम ही नहीं करी रहा। पच्चीस इंटू पच्चीस करो तो, पच्चीस इंटू पच्चीस करो तो बहुत भरी समस्या भी किया। नहीं किया तो बटी लुगाई ने बल्लाओ। अरे आग का मूल लगा दे रहे, लाइनर लगानी पड़े, बटे लाइनर लगानी पड़े। मैं सुबह साढ़े पाँच बजे चाय पीने जाता हूँ मंडी में, तो हमारे समाज की औरतें लाइन में खड़ी होती है, दो लेटिन बनी हुई है, दो औरतें बाहर निकले जब दो का नंबर आवे तो दस वहाँ खड़ी रहो। मनक सब पड़ी रहा थे। तो अटे पानी आयो किस तरह? साढ़े तीन हजार नल आई रो, पाचे चालवा वाली गाड़ी अटे स्लिप हुई जा, तो माने ये पानी समस्या बंद कराओ। तो मतलब पानी रो टाइमिंग भी चेंज कराना पड़ेगा? सुबह छह बजे करे दो नल रो, माने नल रो टाइम चेंज। और कैसा मतलब अबे जो नया नेताजी बनेगा वो कोई चाहो था? माने सब सुविधा चाहिए रही समाज री, और माने तो कटे नहीं तो कटे, माने समाज के जगह दे रखी नहीं, माने कई सुविधा है माँ, माने कमेरा ने खैरा एक बार कीट ने लिए भले दौड़वा चाहिए लुगाया, बाकी और कई लाभ कोई नहीं माने। और माने गिनी भाई ने भले ही लू मोबाइल पर थाने मने एक बार बताओ कि थाने फोन मिलियो कि नहीं मिलियो? नहीं मिलियो मन तो फोन ही नहीं मिलियो, नहीं मिलियो माने लुगाया नहीं यार। अतरी समस्या है तो अब था होता भाजी हाँ, रोज सुबह साढ़े पाँच बजे वोटे मंडी में चाय पीवा क्यों जाओ? थाने घरे दूध नहीं आवे? गई दूध आवे लेकिन मैं घर की पिता नहीं हूँ के क्यों? वो मेरी मर्जी, डिपेंड ऑन यू, डिपेंड ऑन यू। वाह अच्छा मैंने एक बात, मतलब फिशरी बनने पड़े सरकारी आदमी है यार। पर ये अटे जो ये व्यवस्था होनी वतरो मन कतरो दुखे थानो? दुखे नहीं दुखे जी बजे कने का या बता माने? अरे जो आवे जो बोट लेन नहीं जा, हम आयो करेंगे आयो करेंगे ने करे के रिंगणा, जीती जाने नहीं जा, जीती जाने नहीं जा, जीती जाने नहीं जा, हाँ? जीती जाने नहीं जा, आवे ही नहीं, आवे ही नहीं पाचा, आवे ही नहीं। हाँ हाँ अब आवे जो सामान बाजार वटू वही कंट्रोल में जो मिले वो सामान आधो से भी लगाया कहीं जा, और आधो बच्चा बच्ची ने दे दे और नहीं दे तो वाह। अरे भाई थाना नंबर नहीं आया, थाना नंबर नहीं आया, और बटे पता लगा कहीं के मजा अपने नाम दे दी दो, मजा दे दी दो, अबे करने जी थाने नाम और कोई ले लियो दूसरा ली दे। ये तो बहुत बड़ी गफलत है यार, वो जो दुकानदार खुद ही कहते आप लेंगे नहीं, आपने घर आई ने घर वाले ने पूछे कि मजा लाए कोई, अबे करने कंप्लेंट करो रिसर्च विभाग में जाओ। भैया बाद में आना यार, बाद में सुन लेंगे ना यार, अभी इलेक्शन तो होने, तो हमारे इलेक्शन का काम चल रहा है। इलेक्शन है तो रोटा नहीं खावेगे? देखो नहीं अबे तो कोई भी विभाग इनकी बात नहीं सुन रहा है। ये आंटी जी हो रहा है, आंटी जी थाने की समस्या है? माने समस्या है सुबह न रावना छावे, माने तो है जब ठंड आएगी मानती पानी नहीं भरा ठंड में, और माने कॉम्प्लेक्स नहीं चली रो, मावड़े गया काले के नाड़े खड़े जो बड़े लगाए, माने लड़ी रही नहीं के बात करो फोन में कौन लड़ रही थाने बटे जो बटे नौकर रह के वना ने। अच्छा हाँ थाने लड़ रही? हाँ कई कह रही क्या टेन मत आज तो बचे जाओ गटे खटे जाई रे मा तो नारे खाड़े जाई रे जमे नहीं जावा दे रे ने कती जावा भी नहीं जावा दे रे भाई वोट ने ना का है पाछे कन्ने वोट दे ने रोवा कई। अरे तो अतरी समस्या में था जीरिया तो था कन्ने केओ क्यों नहीं किने केवा जावा था आया अटे जिद्दी का के केवा किने जावा हां वो छोगा लाल वो मानी नहीं उणी रियो नहीं उण रिया। हां हां कई कह रिया के मानी जा रहा कई खबर माने कई पतो? अरे यार छोगा लाल जी भाई साहब आप तो अनारी बात सुनो नहीं यार, कमू कम यार अनारी बात सुनो, अनारे नाड़ा खड़ा में व्यवस्था कर रहा हो अटे अनारे सुलभ कॉम्प्लेक्स बना कोई नहीं अटे पानी कोई नहीं जाओ जाओ अटे थी मानी जाना
नारे खाड़े माने काले माने के माने फोन में बात करो। डर गया देखा होना ज्यादा ले काटो नी देखो मकान बहुत ज्यादा दे काटो अंडे लिया वरने बोट रे बात नजर ही नहीं आया बापड़ा यार लेडीज से अब बाथरूम पेशाब करवाने लेटिन टटरी जाओ ने कटे जा मागे तो है ही नहीं तरसा इतनी बात छावे माने नर्स बेरा बेना छावे काल ले परसों दिन तो सुबह आवना छावे तो बोट ही छाप थान पे आई जाएगा बोट ही नहीं है आपके तो अब मारे थे ना मैं के चुना जो ना लेडी हूं जो तो मैं तो थानी वाद आगे तक सरकार तक पहुंचावायो हूं हां तो बस अबे अबे नर तो आवना छावे ओ कॉम्प्लेक्स चालू करो माने और ये लाइट सब काई नाम है नाम कही है मन्नू भाई रे कॉम्प्लेक्स चालू करनो है कहीं भी भेजा हुए परसों तक आना रे नल भी सुबह आना छावे बाकी है आपकी दान के लिए अगर ठप करो कंडे भी लगाई देगा ये कंडे ही नहीं लगाऊंगा नहीं वोट तो देना पड़ेगा मन्नू भाई जाने पहले तो कंडे भी दो नाटो ने दो कंडे भी दो वोट देना पड़ेगा मारो काम नहीं करोगे तो मतलब कहीं बचे इनका जो दर्द है वाक्य में आपको सुलझाना पड़ेगा तमाम जिम्मेदारों से अपील है कि इनकी बात को सुने ये वाक्य में यहाँ पर बहुत ही मतलब न्यूनतम स्थिति में यहाँ पर लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पर लोगों के सोच की भी उचित व्यवस्था नहीं है हम तरक्की की बात कर रहे हो पर यहाँ पर सोच की लाइट की पानी की कोई माकूल व्यवस्था नहीं है सरकार से सिर्फ सुविधा मांग रहे हम कोई पैसा नहीं मांग रहे सरकार से सिर्फ हम सुविधा हमारे मंदिर के बाहर लाइट भी नहीं है आप 7 बजे के बाद आके देखो अंधेरा है पूरा चौक अंधेरे में लाइट सिर्फ वहाँ लाइट चालू है कहीं भी हो अरे भाई साहब माँ के सुबह 8 बजे नर दो बोले 7 बजे नर दो पर देखो हाथ गीला हो गया ये देखो अब है अब ठंड हो जी जी अब अभी ना ना अभी तो पानी का काम कर के देखो यार ना ना सुबह 8 बजे नल धोनी है मंदा भरा होएगा ठंडा पानी मु नहीं ने ओए बोर्ड नहीं दांगा बच्चे वोट तो देना पड़ेगा दाना मारी होगा मारी कैसे में दाने वोट तो देना पड़ेगा पूरा करे सुबह 8 बजे का नल की व्यवस्था करें या शाम को मतलब सुबह 7 बजे करें पर सुबह का समय क्योंकि सभी लोग कामगार महिलाएं हैं ये दिन में अपना काम करती है तो तमाम अधिकारियों से भी निवेदन है कि थोड़ा सा समय का मापदंड आप तय करें और सोच की व्यवस्था यहाँ पर करें और सोच के अलावा पानी के अलावा कोई और समस्या कॉम्प्लेक्स चालू कराओ अरे तो कई दिनों नहीं कॉम्प्लेक्स चालू करो माने लोग बड़े लड़े ने माने मारवा दौड़ी भी लगाया थाने मारवा दौड़ी हां काले मुंह अब पूछो ही तो थाने चालू कई नहीं ने मारियो लट नहीं ने लट जा बे सा चलाओ अरे कह दीजो काम पे दबा नौकरी पे दबा अरे आओ अब बोलो भाई साहब मां सुबह नौकरी पे जाबा अब 9 बजे नौकरी पे जाबा पानी आटे 2 बजे वापस मेहमाना दिक्कत वे अब वो कहती ना क्यों जाए अब माए घर वाली हूं कौन अब न देखा कौन अब वह को काम नहीं कर दे अब मुआ करो क्या करूँ नौकरी फूका जाऊ वापस हट जाऊ और तू वापस बैठ जाओ टाइम खत्म भेजा माओ काम खत्म भेजा वह 2 दिन हाजिरी लगा माना दिक्कत वे सुबह 6 बजे पानी भेजो 6 से 8 बजे तक 6 बजे पानी भेजो आधे दिन की हाजिरी लग रही है पानी के चक्कर में कोदवा में ठीक है सब में अब है चंबर में न पानी भरो हुआ मच्छर निकले चंबर मुँह घर में न मच्छर जावे मन परेशान हुए अब आदमी कॉम्प्लेक्स बने 5 दिन पे वो आदमी मर गो मिठाई वाली दुकान पे 5 दिन बीमार हुआ बड़ी अस्पताल में नंबर हो नया पूरा मेरे वह अब वो चंबर मुँह मच्छर निकला मन बीमार पड़े सुबह 5 बजे 6 बजे नल में पानी भेजो चलो 6 बजे नल में पानी भर दो तो एक दीदी हमारे साथ है दीदी आप बताओ क्या क्या समस्या है यहाँ पर नमस्ते मेरा नाम अंजलि गाछा है मैं इसी मोहल्ले में रहती हूँ और मैं बीए सेकेंडरी की छात्रा हूँ एमजी कॉलेज से और एक एनसीसी
कैंडिडेट भी हूँ। तो मेरी आपसे यही विनती है कि जो भी इस बार वोट लेने के लिए है, जो पिछली बार लिए थे उन्होंने किसी की समस्याओं सुनी नहीं, और बहुत से लोग जैसे बोल रहे हैं कि हमारे को नल की सुविधा नहीं मिलती है, मतलब मिलती है बट ना जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा इश्यू है उनका, कि दिन में मतलब बहुत सारे यहाँ पे जो वाहन आते जाते हैं उनसे गाड़ी स्लिप हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो इनकी ये गुजारिश है कि आप जो नल का समय है वो सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग का डिसाइड करो, ताकि किसी भी आने जाने वाले राहक को भी परेशानी नहीं हो। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ की जो सफाई की व्यवस्था है, एक गाड़ी जो यहाँ से चलती है यहाँ से भी चलनी चाहिए, ताकि बहुत सारे बच्चे क्या स्कूल चले जाते हैं तो एक लेडीज़ घर में बहुत सारे काम हैंडल नहीं कर सकती है, तो उनको जितनी कम समय में जो सुविधाएं मिल जाएगी तो वो ज़्यादा अच्छा बेटर होगा। और यहाँ पे जो लाइटिंग वगैरह है वो रात के समय में अधिकतर बंद हो जाती है, और आप देख सकते हैं यहाँ की सब्जी मार्केट भी है, तो ग्राहक को भी परेशानियाँ होती है, तो उनको भी थोड़ी सी समस्याओं में फायदा मिल जाएगा। आपके पास इतना सुझाव है तो आप खुद ही लड़ लो, चुनाव मैं नहीं लड़ सकती हूँ, बिकॉज मैं एक माउंटेनियर भी हूँ, और ऐसा बोला जाता है कि है ना मेरे को अभी स्पॉन्सरशिप की नीड है वैसे। तो मेरे को बहुत से जनों ने बोला कि आपके जो वार्ड पार्षद है, जो सरपंच तो क्या वार्ड पार्षद है, जो भी आपके नेता है उनसे गुजारिश करो। तो है ना मैं उनसे मतलब कि मेरी फाइल लेके मेरी एप्लीकेशन लेके मैं उनसे बात करने भी गई थी, तो मुझे सब ओर से यही मिला कि अब इलेक्शन का टाइम चल रहा है, जब इलेक्शन का टाइम चल रहा है आप वोट लेने के लिए बहुत बहुत जल्द हमारे पास आ जाते हैं। वैसे अभी मैं 18 साल की हो चुकी हूँ और ये मेरा पहला वोट होगा, और मैं बहुत सोच समझ के अपने इस अधिकार का प्रयोग करूंगी। तो मेरी जो स्पॉन्सरशिप की जो नीड है मुझे वो तो अभी फिलहाल मेरी सोल नहीं हो रही है, तो मैं आपसे यही क्या नीड है आपकी बताओ मेरे को, क्या क्या चाहते हो आप? कि मैं ना एक इंटरनेशनल माउंटेन है माउंट मेरा जो कि हिमालय की रेंज का है, वो 6476 मीटर का है, मैं वहाँ पर 101 फीट का भारत का झंडा ले रहा हूँ जो कि भारत से पहली लड़की होगी। अगर इतना स्पॉन्सर चाहिए आपको, मुझे मेरी कॉस्ट तो वैसे 2.48 लाख है, मतलब 2,48,000 है, वैसे 1 लाख की व्यवस्था तो मैंने किसी स्पॉन्सरशिप के थ्रू कर दी है, अब मुझे 1.5 लाख की और नीड है। इन्हें 1.5 लाख रुपए की और नीड है, ये एक माउंटेनियर है और एक ऊंची चोटी पर यह जाना चाहती है जहाँ पर यह भारत का नाम रोशन करना चाहती है, ये उदयपुर की बेटी है। अगर आप में से जो भी इसकी मदद करना चाहते हैं गाछीवाड़ा के चौक में इनकी दुकान है, उनसे संपर्क कर सकते हैं, आप चाहें तो उदयपुर न्यूज़ कार्यालय आकर भी संपर्क कर सकते हैं। और एक बार तमाम लोगों से अनुरोध करूँगा कि अंजलि दीदी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। नहीं नहीं बोलना तो पड़ेगा बे, था तो चिल्ले ही रहा तो बोलो। लो हाँ आंटी जी लो बोलो। अरे पालका वालका सब बच जाएगा, पहले बताओ नल कितने बजे चाहिए था ना? 5 बजे। 5 बजे? हाँ कोई करो 5 बजे नल। 5 बजे हमारा काम धंधा वाला, सुबह नल चावे जल्दी, सुबह जल्दी नल चावे। और शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं? शौचालय ही नहीं है, वो लाइट ही बंद हो जाए थे। लाइट ही बंद हो जाए तो जी क्यों रहा है? बार तक लाइट लगी थी ना रात, हाँ जी बार 6 बजे लाइट बंद हो जाएगा। अब बार जल रही है? हाँ। एक बार मैं कैमरा मैन चाहूंगा कि लाइटों पर फोकस करें जो अभी जल रही है, मतलब तावड़ा में तो लाइटें जला है और अंदर हमें बंद कर दे। ये धंधा वाला बापड़ा मन परेशान में, ग्राहक भी परेशान में, लोग अभी तो लाइटें लग रही है शाम को बंद हो जाती है। ये बंगाली हरी की टिक्की क्यों लगाई? आलू बिका है ना बिका है कादा? अच्छा मैंने एक बात बताओ, एक बात नहीं, नहीं क्या चाहते हो मुझे विधायक से क्या चाहते हो आप? हमें तो सुविधा चाहिए। क्या सुविधा चाहिए? ना तो यहाँ पे लाइट की सुविधा रहती है शाम को, और ना ग्राहक अंदर आते हैं बिल्कुल, ना गाड़ियों के रखने की सुविधा भी नहीं है थोड़ी बहुत भी, और पब्लिक बहुत परेशान होती है आने के लिए हमारे। दिन में आप ही देखो ना लाइटें जल रही है, और रात को तो अंधेरा हो जाएगा बस। रात को अंधेरा और क्या है, शाम को 6 बजे बाद लाइटें ऑफ है, बिल्कुल बंद है। सरकार कहे कि आगे घर जाने हुआ था पे क्यों 6 बजे बाद कमा के खाएंगे नहीं क्या? तो उसको उन विधायक को बोला तुम भी सो जाओ, तुम भी सो जाओ, तुम भी सो जाओ। और क्या है, बाहर अंधेरा मिटाएगा वही वोट पाएगा। ये बात सही है, देना ही नहीं वोट, तो वोट देना ही नहीं, बिल्कुल वोट करने दे वहाँ ठीक है। यहाँ पर जनमंच के माध्यम से जाना, एक हमारे फेवरेट गिन्नी भाई का गिन्नी भाई। अरे दो जनी पाव पी रहे,
हटे उभी रहो हटे वो गिन्नी भाई तारो राशन कार्ड बनियो के नहीं बनियो नहीं बनियो सब केवारी बात है सब केवारी बात है हंडी में बेन बात करनी अच्छा मैंने एक बार बताओ पहला मैं आयो हो था क्यों मार राशन कार्ड नहीं बनियो जो बनियो के नहीं बनियो बीपीएल नहीं बनियो बीपीएल नहीं बनियो भैया भैया वरारे बनियो माने कटे बनियो हाल भी नहीं बनियो ये बनियो अबे तो चुनाव हो गया नेताजी ने कौन ही बनाया करो थाने थावरवा बनी बच्चन का लेवा आया तो थावरवा बनी लेटरिंग बाथरूम में कई वही रो लेटरिंग बाथरूम अपने लगे घटे लेटरिंग बाथरूम में कई वही रो तो मैं वही जानवायो की समस्या सुन ली ढूंढा करते घर में ढूंढा बनावा कई घर में ढूंढा बनावा क्यों कई कर रहा था बच्चन तो लेवा आ गया था पर लेटरिंग बाथरूम चलू करो मारो काम करो पचा वोट ना के वोट तो थाने नाकड़ो पड़ेगा गिन्नी भाई मुनी ना को बेटे नहीं नहीं नाकड़ो पड़े थाने मारा होगन दे मारो बीबल ना को का तो मा वाला मा बाकी नहीं वाला पचा दान कागज भरिया तब फेल कर दीदा नगर पालिका में पहले मने फेल क्यों कर दे बता का कड़ी बात मने कई जान कड़ी बात फेल कीदा कई के बेटे थाने जाओ तो कई के जाओ तो कई नहीं वे कई नहीं वे कई नहीं वे यूं करे फेरी ना आवा बाची परी ना आवा समझ रही औरता जावे तो कई यूं करे जाओ 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 भागो 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 क्यों भगावे भगावे माने माने तो पूछ ही नहीं ताच ही नहीं माने के माने गरीब ने जगह नहीं हां क्यों नहीं मैं गिन्नी भाई री छोरी हूं तो गिन्नी भाई छोरी हो तो कई में बीपीएल तो जावे जानकी है करी ना खाई ना नाम ठाणो राखी ना टेस्ट लागी रो पलाणो लागी रियो सब लागी रो परसा लागी रो जटी पाटे आते बेवा ठोकरा मेले यूं क्यों मेले कमई नहीं खावा बाप दादा री पीढ़ी है ओ साल रे या पीढ़ी पे पीढ़ी चली री मां उठा आटू थी नी उठा मैं तो नी वे दीदी आई ना तो परईरा जा आप अपना मोहल्ला में बैठा वो नी बैठा वो ना मारा मोहल्ला में मैं कमन का माने आका बतावे क्यों बतावे मानो मोइलो मा तो रेवा अच्छा अबे जो नया नेताजी बनेगा बनाऊ कोई चाहो था कई चाहते हो मारा कई नहीं चाहिरो वोट दांगे मारा बीबीएल चाहिरो ए तो बीबीएल की लेटरिंग है सही लेटरिंग मारवे तो बीबीएल दे दो मने और कई नहीं चाहिरो मारा कई नहीं चाहिरो धन दौलत माने कई फ्री रो कई सामान नहीं चाहिरो कई नहीं चाहिरो सब राग रो बच्चा थाने पे रेवा तो वटे वटे ठट्ठिया करी तो बाबा दादा कागज भराया मैं बीबीएल रा तुम्हारा घायल कर दी दाना छाबा कटू पड़ी ए मैं पड़ी खेत पाचे पाचे बतावो અમાર ધંધો કે ના કતીને દોડા કે વટીને દોડા મારા પેટ ગુજારે વેપારીઓ થોડા આયો મને લોન વાળા આયા લોન દઈ રા કઈ અરે મે કી દો થાને લોન તો વી થયો થોડા આયો બલાવા કે લોન દઈ રા લોન દઈ રા ચલ તો આપકી સમસ્યા કા નિવારણ યહી હે કે આપકા બીપીએલ કાર્ડ બને એક તો ઓર એક આપ ચાહતે હો કે યહાં પર શૌચાલય કી ઉચિત વ્યવસ્થા મારે તો બીપીએલ વડાઈ દો મને કઈ ની થઈ રો મે લેટરિંગા વડવાઈ દો મે લેટરિંગા વડવાઈ દો લેટરિંગા કુસમ લગાયા દુખી હે ઠે દોલત ની થઈ ની માણે તાણે મંડી મે ટટ્ટી જવા જા ટટ્ટી હુરેશ બોર જા માણી અતરી પરેશાની કાટે હારે ની આવે કઈ ની અમલે કાટે જા મે કી દીધા ને ગરીબ ના ને રોવે દીધા એ મેની મેની રે પાટી આજે ચાલો ચાલો યુ કરે બટ કિસ તર કરે પાટી આજે ચાલો ચાલો ભી આખી લટકે લેટરિંગ રો કરવા દીજો આપ સબ ધણ બોર્ડ જણ ભી ઉઠાવેગા દીદે ભાઈ દુવાલા બસ સબ જણિયારા બોર્ડ સબ દે દેગા લેટરિંગ કરવા દીજો સબ ઉઠતા રહો તો મે લેતા થોડી ના હું તો ની તો આ ફાયદા લે જાઓ ને કરો ઠીક મણારી મદદ વેગા તવી કરેગા चलो ठीक है मीना खान में तो जनता दरबार का यही समापन करते हैं। लोगों से हमने जाना कि क्या उनकी परेशानी है, क्या विकास चाहते हैं वे। तो वाकई में आम नागरिक बहुत दुखी है। यहाँ पर शौच की उचित माकूल व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर बिजली की उचित व्यवस्था नहीं है। तो मैं तमाम जिम्मेदारों से अनुरोध करूँगा कि इस ओर ध्यान देवे और आप मतदान जरूर करें 25 तारीख के दिन, क्योंकि आपका एक मत ही इस देश में बदलाव लाएगा। और इस अनूठी मुहिम में उदयपुर न्यूज़ भी अपनी सहभागिता निभा रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।